सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाइए। गुरमीत राम रहीम ऐसा नाम है जो समाज सेवा से लेकर फिल्मों में सुपर हीरो तक के रूप में दिख चुके हैं, पर उनका साथ विवादों ने कभी नहीं छोड़ा। उन पर कई आरोप हैं, लेकिन एक ऐसा आरोप था जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई। ये आरोप लगाया था उनके अनुयायी साधुओं ने। फतेहाबाद के कस्बा टोहाना के रहने वाले हंसराज चौहान ने आरोप लगाया था कि डेरा सच्चा सौदा में वो बतौर साधु रहा। इस दौरान बाबा ने 400 साधुओं को नपुंसक बना दिया। चौहान ने आरोप लगाया था कि डेरा प्रमुख के इशारे पर डेरा अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने साधुओं को नपुंसक बनाया था। उसने कहा था कि बाबा ये कहते हैं कि इस प्रक्रिया से भगवान के और करीब हो जाते हैं। चौहान ने कोर्ट में 166 साधुओं का नाम भी दिया था। याचिका में यह भी कहा गया था कि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में आरोपी निर्मल और कुलदीप भी डेरा सच्चा सौदा के नपुंसक साधु हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेल में बंद डेरा के साधुओं ने पूछताछ में स्वीकार किया था कि वे नपुंसक हैं, लेकिन वे अपनी मर्जी से बने हैं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।